अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। दो बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने इस तरीके से कट करके और मैंने इसे सिंपल 6 से 7 मिनट पानी में बॉईल कर लिया था। ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल ही हाफ डन से भी कम हुए हैं। और ये दो बड़े साइज़ के प्याज है, मैंने इसे बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये भी स्लाइस कर लिया। 1 पूरी गड्ढी पुदीना की बिल्कुल बारीक काट लिए। और ये 1/2 कप आलू बुखारा, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। 1/2 पाव दही है, 1 टेबल स्पून भर के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट है, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च यानी कि लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया, और ये 1/2 किलो चिकन है मेरे पास, और ये 1/2 किलो ये चावल है भिगे हुए बासमती राइस है, और ये 1/4 कप दूध के अंदर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। और ये 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं, मैंने इसके 2 कट कर लिए सिंपल बीच में से। और ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 3 छोटी इलायची हैं, 4 दाने साबुत काले मिर्च हैं और 2 लौंग हैं, और ये 2 लेमन हैं। एक में मसाले में ऐड करूँगी और एक में लास्ट में चावलों पर ऐड करूँगी। अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। अब मैंने सिंपल अपने बोल के अंदर चिकन ऐड कर दी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और ये दही ऐड कर दिया, और ये आलू बुखारे भी ऐड कर दिए, और ये तीनों जो बेसिक मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए। और देखिए कि जो मेरी हरी मिर्चें थी, अब मैं आधी इसके अंदर ऐड करूँगी, आधी मैं चावलों के लिए छोड़ दूँगी। 2 मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और अब 2 मैं चावलों में, और ये 1/2 गड्ढी पुदीना भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैरिनेशन के अंदर ही, और 1/2 गड्ढी में लास्ट में ऐड करूँगी जब चावल हम बॉईल करेंगे तब। और अब 1 लेमन का मैं जूस निकाल कर वो डाल दूँगी इसमें अच्छे से। इस तरीके से मैंने छान कर डाला है ताकि कोई भी बीज वगैरह ना आए। अब बस इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से चिकन के अंदर मैरिनेट करूँगी जब तक के 30 मिनट्स के लिए, फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स के लिए आप रख दें। मीनवाइल जब तक ये मैरिनेट होगी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मैं अपने पैन के अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज जो मेरी स्लाइस हुई हुई थी मैंने वो ऐड करी। अब मैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और इसी में से मैं 1/2 रिज़र्व कर दूँगी हमारी जो बिल्कुल लास्ट में जो बिरयानी के ऊपर दम के ऊपर जो गार्निश करते हैं उसके लिए, इसी क्वांटिटी में से ही रिज़र्व कर लूँगी मैं। अब देखें यहाँ पर मेरी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गई है। जी तो अब देखिए मेरी अच्छी खासी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन बिल्कुल हो गई है। अब मैं इसे किचन टावल पर निकाल लूँगी लास्ट के लिए, इसी में से मैंने रिज़र्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसी फ्राइड प्याज के अंदर मैं ये तमाम जो मैरिनेशन वाली मेरी चिकन है मैं ये ऐड कर दूँगी, और अब मैं इसे बस अच्छे से मिक्स करूँगी इसके अंदर ऑयल के अंदर, और बस इसे बिल्कुल हल्का सा भून कर इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं कवर कर दूँगी फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए आपको इसे कुक करना है, कोई पानी वानी कुछ भी नहीं डालना ताकि जो है वो इसका मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छे से जो है वो लग जाए। ठीक है, अब मैंने 10 मिनट्स के लिए यहाँ पर कुक होने के लिए रख दिया। मीन वाइल जब तक ये कुक हो रही है, अब ये देखें यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, ये देखें उबलते हुए पानी उबल रहा है मेरा। अब उबलते हुए पानी के अंदर मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, इससे ये एक बहुत अच्छी सीक्रेट टिप है, इससे आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और नरम भी नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। जी तो अब देखें मैंने उबलते हुए पानी में अब मैं अपने चावल ऐड कर दूँगी जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे, और मैंने ये 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी, और ये जो गर्म मसाला था ये मैंने डाल दिया, और जो मेरी 1/2 गड्ढी जो रिमेनिंग पुदीने की थी बारीक कटी हुई मैंने वो डाल दी। अब बस इसको मैं सिंपल इतना बॉईल करूँगी विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये बिल्कुल आपके परफेक्ट 2 से 3 कनी जितना बॉईल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, बाकी हम दम में इसको कुक करेंगे। अब देखिए इस स्टेज पर मेरी जो चावल हैं बिल्कुल रेडी हो गए। अब ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल भी आना शुरू हो गया है, इसका मतलब यही है कि बिल्कुल ये इसकी निशानी कि आपके चावल बिल्कुल परफेक्टली 2 से 3 कनी तक रेडी हो गए। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, छान के रख दूँगी अलग से। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो अब देखिए बिरयानी का मेरा मसाला, यहाँ पर मेरी चिकन जो है वो हाफ डन हो चुकी थी, अब मैं इसके अंदर ये पोटैटोज़ ऐड मैंने कर दिए। अब मैं इसके साथ 5 मिनट्स तक इसको कुक करूँगी, और 1/2 कप जितना मैं पानी डालूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी वरना इससे मेरी बिरयानी में बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए। बस सिर्फ 1/2 कप जितना मैंने डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। अब बस इसे मैं सिंपल कवर कर लूँगी जब तक कि आपकी चिकन भी थोड़ी सी गल जाएगी और आलू भी जो है वो गल जाएंगे। अब मैं इसे पहले 5 मिनट के लिए कवर करूँगी,
अब मैंने 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाया। अब बस अब यहाँ पर मेरे आलू भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, चिकन भी ऑलमोस्ट गल गई थी। अब मैं इसी के अंदर ये मैंने टमाटर ऐड कर दी। अब बस इसको मैंने सिंपल जब तक कवर करके कुक करना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, आलू भी गल जाएँ, जो चिकन का जो रिमेनिंग है कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए और पूरा मसाला अच्छा सा आपका तैयार हो जाए और आपका जो है वो तेल ऊपर आ जाए। बस इसको जब तक आपने कवर करके कुक करना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स के अंदर बिल्कुल हो जाएगा ईजिली। अब देखें इस स्टेज पर देखें मैंने हटाया 10 मिनट्स के बाद कवर, तो ये मेरे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, आलू भी बिल्कुल गल गए, चिकन भी गल गई है। अब हम इसकी लेयरिंग की तरफ आते हैं। ये मेरा मसाला बिल्कुल बिरयानी का रेडी हो गया। अब मैंने सिंपल एक खाली पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने पानी डाला और पानी के साथ ही मैं इसको ऑयल से मैंने पूरे पैन को ग्रीस कर दिया अच्छे से ताकि मेरे चावल ना चिपके जब मैं इसको लेयरिंग करूँ। पानी ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा थोड़ा मैंने पानी से इसको वो ग्रीस कर दिया और फिर मैंने उसी के ऊपर ऑयल डाल दिया ताकि मेरे चावल बिल्कुल सही रहें, चिपके ना बिल्कुल भी। अब मैं इसके अंदर जो मेरा आधे जो मैंने ये बॉयल चावल हैं अब मैं आधे इसके अंदर पहले लेयर कर दूँगी। ठीक है, देखिए मैंने अच्छे से आधे चावल मैंने डाल दिए। अब मैं इस आधे चावलों के ऊपर मेरा जितना भी बिरयानी का मसाला है अब मैं वो पूरा का पूरा ऐड कर दूंगी, इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, ये सिर्फ सिरके की वजह से, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा ये टिप। देखिए अब ये मैं सारा बिरयानी का मसाला ऐड कर दिया मैंने अच्छे से, पूरे चावलों को बिरयानी के मसाले से मैंने कवर कर देना है। ठीक है, बस अब सिंपल मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया, सारा मैंने मसाला डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर जो रिमेनिंग जितने भी चावल हैं अब मैं वो पूरे इसके ऊपर ऐड कर दूंगी सारा को। अब मैं अच्छे से फैला कर सारे चावलों को देखिए अच्छे से आपने इस तरीके से पूरा कवर कर देना है। अब बस सिंपल जो मेरी फ्राइड प्याज थी जो मैंने पहले रिजर्व कर ली थी इसके लिए, अब मैं वो इसके ऊपर इस तरीके से गार्निश कर दूंगी। और अब जो मैंने 1/4 कप मिल्क के अंदर मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड किया था और मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगी। आप बिल्कुल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो आप बिल्कुल ज़्यादा डाल सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया इसके ऊपर, इस तरीके से मैंने फैला दिया चारों तरफ डाल दिया ताकि कलर अच्छे तरीके से आ जाए। और अब मैं इसके ऊपर एक लेमन का जो जूस है वो मैं स्क्वीज आउट कर दूंगी, इस तरीके से डाला है मैंने स्ट्रेनर के थ्रू ताकि कोई भी हमारा बीज वगैरह ना आए और सिर्फ जूस का फ्लेवर आए अच्छा सा। बस अब मैं सिंपल इसको कवर करके दम पे रखूँगी। पहले मैं स्टार्ट में 6 से 7 मिनट्स में हाई फ्लेम पर रखूँगी, दम पर और तवे के ऊपर रखना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना। फिर 6 से 7 मिनट्स में इसको हाई फ्लेम पर रखूँगी और फिर 6 से 7 मिनट्स में इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखूँगी। टोटल 15 मिनट्स के अंदर आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट दम पर आ जाएगी और मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। मीनवाइल ये दम पर आ रही है, हम अपने रायते की तरफ चलते हैं। रायते के लिए मैंने एक पाव दही ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है विस्क से। और इसके लिए देखें ये मैंने 1 टीस्पून जितना भुना हुआ पिसा हुआ जीरा लिया है और ये थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बिल्कुल अपने मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका फ्लेवर आपको जो पसंद हो आप वो बिल्कुल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस सिंपल मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया दही के अंदर। अब मैं थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मसालों के साथ और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आता है और रायता बिल्कुल भी पतला भी नहीं होता, आपका लास्ट तक रायता ऐसा ही रहता है बिल्कुल। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से, जितनी आपको थिकनेस पसंद है आप रायते की आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा मिल्की फ्लेवर भी ना लगे। बस देखें मैंने बिल्कुल 2 टेबल स्पून जितना पानी ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया। ये मेरा मज़ेदार सा बिल्कुल रायता भी रेडी है। और अब ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, ये बिल्कुल 15 मिनट्स के अंदर बिल्कुल मेरी बिरयानी देखिए दम पर आ गई है। जो मेरी एक कनी चावल थी वो भी बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हो गई है और चावल भी मेरे बेहतरीन से पक गए हैं और देखिए कितने खिले खिले हैं। और अब ये मेरी मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें इसका मसाला भी बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो गया, हर चीज़ परफेक्टली कुक्ड हो गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल कम बेसिक मसालों से बनने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर ऐसे मसाले नहीं गए जो आपको मुश्किल पेश आए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। जी, और मेरी इस बिरयानी के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे मौजूद हैं, आप वहाँ से बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। अगर आपको अज्जा से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ आपको देखनी हो कम या ज़्यादा, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।